नमस्कार दोस्तों, इंडिया पावर न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज चंद्र कुमार के साथ। राजनीति से आ रही है बड़ी खबर। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने जमकर कांग्रेस को बनाया निशाना। कहा चाहे बसपा सपा गठबंधन हो या कांग्रेस, इनके पास न तो नियति है न ही नीति, या भ्रष्टाचारी लोग हैं। आज बस्ती जिले के 61 लोकसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी हरीश द्विवेदी के नामांकन में बस्ती पहुंचे अनुराग ठाकुर। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए जमकर कांग्रेस और बसपा सपा गठबंधन को बनाया निशाना। पत्रकारों द्वारा यह पूछे जाने पर कि राहुल गांधी ने कहा कि कोर्ट ने मान लिया है कि चौकीदार चोर है, उस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि उनको कोर्ट जवाब दे रही है। सांसद हरीश द्विवेदी के नामांकन में पहुंचे अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर उठाया सवाल। कहा, राहुल गांधी अमेठी से 5 साल गायब क्यों थे? 70 सालों में 55 साल कांग्रेस इस देश में राज किया तो गरीबी क्यों नहीं मिटा पाई कांग्रेस? नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो 6 करोड़ लोगों को गरीबी से मुक्त कराया गया। उनको आज आवास दिया गया, शौचालय दिया गया, साथ ही गैस चूल्हा सहित सिलेंडर ने सरकार ने उपलब्ध कराया। दुनिया में भारत देश 11वें स्थान पर था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसे 6वें स्थान पर कर दिया। वहीं गठबंधन व कांग्रेस को इनके पास न तो नीति है न ही नियत। मोदी सरकार के पास अपनी उपलब्धियां हैं, जनता के बीच अपनी ईमानदारी नीतियों को लेकर जा रहे हैं और फिर मोदी सरकार बनेगी। राहुल जी इतना बोलते हैं तो क्यों चुप्पी साध लेते हैं? जब मामला भ्रष्टाचार की आती है, उनके नाम पर उनके सर्टिफिकेट का मामला आता है तो राहुल जी चुप्पी साध लेते हैं। होते हैं कि आखिरकार इस मामले पर इतना सन्नाटा क्यों, इतनी चुप्पी क्यों? राहुल जी जो कल तक गला फाड़ फाड़ कर बाकी विषयों पर बोलते थे, जब बेल की बात आती है, भ्रष्टाचार की बात आती है, उनकी सर्टिफिकेट्स उनके नाम को लेकर, उनकी बहुत सारी बातों को लेकर प्रश्नचिन्ह खड़े होते हैं तो चुप क्यों हो जाते हैं? देश जवाब मांगता है, राहुल गांधी जी को जवाब देना चाहिए। अभी राहुल गांधी ने कहा है कि कोर्ट ने मान लिया कि चौकीदार चोर है। मुझे लगता है उस पर उनको कोर्ट ने जो लताड़ लगाई है, किसी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को झूठ के नए कीर्तिमान बनाने का सर्टिफिकेट मिले तो राहुल गांधी जी को मिल सकता है। और कांग्रेस ने झूठ के नए कीर्तिमान खड़े किए और झूठ जल्दी पकड़ा गया, कोर्ट में भी हम लोग गए, कोर्ट ने लताड़ लगाई। अब देखते हैं उस पर राहुल गांधी जी क्या उत्तर देते हैं। झूठ बोलकर शूट एंड स्कूट, ये उनका पुराना रहा है कि गाली निकालो और आगे निकल जाओ, ये चलेगा नहीं। देश जानता है, जब पिछली बार इन्होंने कहा था कि मोदी जी चाय बेचने वाले हैं तो देश की जनता ने देश बेचने वाली भ्रष्ट कांग्रेस को नकार दिया। ईमानदार चाय बेचने वाले मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया था। अब ये कहते हैं चौकीदार हैं, हम कहते हैं चौकीदार हैं। देश को भ्रष्टाचार मुक्त शासन मोदी जी ने दिया है, भ्रष्टाचार के खिलाफ, कालेधन के खिलाफ नकेल कसी है। अब वो कहते हैं नोटबंदी करके कमर तोड़ दी, आम जनता कहती अच्छा किया, कांग्रेस के भ्रष्ट नेताओं को लगता है कि हमारी कमर तोड़ दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के करीबी के पास 281 करोड़ रुपया मिलता है, उनके पुत्र 660 करोड़ रुपए की संपत्ति की घोषणा करते हैं, स्वयं मुख्यमंत्री लगभग 200 करोड़ की अपनी संपत्ति की घोषणा करते हैं। आप कल्पना कीजिए, कैश 281 करोड़ किसी मुख्यमंत्री के करीबी के पास मिले तो कांग्रेस अभी तक उस पर भी जवाब नहीं दे पाई। ये भ्रष्टाचार का पैसा कहां से आया, किसका पैसा खाया गया, हजारों करोड़ रुपए किसके लिए बने थे, किन योजनाओं के माध्यम से खाए गए, कांग्रेस इस पर चुप क्यों है? आखिरकार पिछले 5 वर्षों में राहुल गांधी जी अमेठी से गायब क्यों रहे?